योगी सरकार भले ही स्वास्थ्य सुरक्षा को दुरुस्त करने के लाख दावे कर रहे हो, लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला बांदा के बिसंडा थाने के कुरौली गांव का है, जहां एक झोला छाप डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने से 2 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि गांव के ही रहने वाले धर्मेंद्र के 2 साल के बेटे को बुखार हुआ था, जिसके चलते धर्मेंद्र अपने बेटे को पास के ही गांव में एक झोला छाप डॉक्टर के पास लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिसकी वजह से बच्चे का पैर सूज गया और पूरे शरीर में जहर फैल गई। कुछ ही देर में बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन बच्चे का शव लेकर कोतवाली पहुंचे और डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। ये हुआ, बुखार आ रही थी, मैं दवा कराने गया था मेरे बच्चे को। अच्छा। हाँ, मैं गया था दवा कराने, तो वहाँ एक दिन दवा करवाया, इंजेक्शन लगवाया, तो उस दिन कुछ नहीं हुआ। फिर इसके बाद दवा दिया वो, फिर इसके बाद दूसरे दिन बुलाया गया मैं, फिर उसने लगा दिया सिरिंज, फिर इसके बाद वो रात भर में वो सूजन नहीं गया। फिर मैंने फ़ोन किया घर से रात को, तो रात को फ़ोन किया, मैं बोला कि डॉक्टर साहब इसके सूजन कैसे दे दिया, कल नमक पानी से को, तो फिर इसके बाद बोला कि सुबह लेके आ जाना, मैं पाउडर दूंगा और ये बर्फ वर्फ से सकाई करना। तो एक बच्चा है जो 3.5 वर्ष का था, उसकी तबीयत जो है 27 तारीख को खराब थी। उनका कहना है परिजनों का कि एक डॉक्टर है जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, उन्होंने कुछ दवाएं दी जिससे उसकी आज डेथ हो गई। परिजन यहां थाने पर आए थे और उनके द्वारा तहरीर दी गई और मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसमें उन्होंने एक धर्मेंद्र डॉक्टर को निम्न किया और उसके एक सहायक को किया। वहीं घटना के बाद से डॉक्टर अपना क्लिनिक बंद करके मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है और फरार डॉक्टर की तलाश की जा रही है। पुलिस मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बांदा से जफर अहमद की रिपोर्ट।